सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए ये पहला पाठ है और इसमें एक कविता है जिसका शीर्षक है गाता खग और इसके कवि हैं सुमित्र नंदन पंत। इस कविता के द्वारा कवि प्रकृति के सौंदर्य के साथ मानव जीवन के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं। ईश्वर ने जगत का निर्माण किया, सारे जीव जंतुओं की रचना की जिसमें मनुष्य भी है। हमें उस बनाने वाले ईश्वर की आराधना स्तुति करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए और सदा दूसरों का भला चाहना चाहिए, दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचना चाहिए। कविता इस तरह है, गाता खग प्रातः उठकर सुंदर सुखमय जग जीवन, गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जग जीवन। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि सुबह जब हम उठते हैं तो पक्षी के कलरव की आवाज़ सुनते हैं, वे उठकर परमात्मा की स्तुति गाते हैं और संसार के लोगों की सुखमय जीवन की कामना करते हैं। संध्या समय जब वे लौटते हैं अपने घोंसलों पर तो फिर वे ईश्वर का धन्यवाद कलरव के द्वारा करते हैं और जगत के लोगों की मंगल कामना करते हुए वे अपने घोंसलों में फिर से आराम से सुख निद्रा में लीन हो जाते हैं। इस परिच्छेद से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी उन पक्षियों की तरह दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों की मंगल कामना करनी चाहिए और दूसरों का उपकार करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। दूसरा परिच्छेद, कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव, अवलोक आंसू की भर आती आँखें नीरव। इन पंक्तियों के द्वारा कवि सुमित्रा नंदन पंत यह कहते हैं कि आकाश के तारे लगातार एकटक हमें निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और दुनिया के लोगों के दुख को देखकर उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। वे हमारी दुख पीड़ा को देखकर निःशब्द हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इस अनुच्छेद से हमें यह सीख मिलती है कि अगर तारे हमारे दुख से दुखी होते हैं तो हमें भी दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए, खुश नहीं, साथ ही दूसरों की मदद को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तीसरा परिच्छेद, हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। इन पंक्तियों के द्वारा इस परिच्छेद में कवि यह कहते हैं कि बगीचे के फूल भी हमें यह सिखलाते हैं कि हम स्वयं प्रसन्न रहें और अपनी प्रसन्नता के सौरभ से सुगंध से दूसरों को भी प्रसन्न कर दें। अर्थात हम यदि अच्छे बनेंगे, अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे तो दूसरों को अर्थात अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को और सबको खुश कर पाएंगे। चौथा परिच्छेद, उठ उठ लहरें कहती यह हम कूल विलोक न पाएं, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाएं, कब कब हिलोर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा, बुदबुद विलोन हो चुपके पा जाता आशय सारा। इस परिच्छेद में कवि समुद्र के लहरों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि समुद्र की लहरें आती हैं जाती हैं लेकिन उन्हें तट या किनारा नहीं मिलता, फिर भी वे उदास निराश हताश नहीं होकर अपने काम में लगी रहती हैं। लहरों के आने जाने के क्रम में बनने वाले बुलबुले भी बनते और विलीन होते रहते हैं और हमें यही एक सीख देते हैं कि बनना और बिगड़ना यह तो उनकी नियति है, परंतु लगातार काम करते रहना यही उनका कर्तव्य है। इस परिच्छेद के द्वारा लहरें हमें निरंतर काम में लगे रहने तथा हार न मानते हुए
कोशिश करने की सीख देती हैं। बच्चों, इस तरह से यह कविता यहाँ समाप्त होती है। आपका गृह कार्य होगा कविता का भावार्थ अपनी कॉपी पर लिखना, शब्दार्थ लिखना और उन्हें अच्छी तरह से याद करना।